अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट वायरसेस आए थे उसके बारे में, मतलब कोविड तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस एंड तक देखिएगा। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बढ़ते हैं नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे जो वायरस हमारे पास आता है उसका नाम है कोविड-19। अब कोविड-19 के बारे में तो सबको पता है कि किस तरीके से फैलता था, कि क्या था क्या नहीं था, ये तो सभी जानते हैं। और ये वायरस शुरू हुआ था सन 2019 में और ये ख़त्म हुआ है सन 2022 के अंदर। अब जितने लोग इस वायरस की वजह से मरे हैं उनकी तादाद है अराउंड 6.2 मिलियन। अब ये वायरस कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरे वायरस की, और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास वायरस आता है उसका नाम है प्लेग ऑफ साइबेरियन। अब ये वायरस शुरू हुआ था 252 AD में और ये ख़त्म हुआ था 270 AD के अंदर। अब मैं आपको बता दूं पहले कि इस वायरस की वजह से जो लोग मरे थे उनकी तादाद थी 11 मिलियन, और 11 मिलियन के अंदर से जो 95% वो लोग मरे थे जो थे यानी कि मर्द, क्योंकि ये वायरस मर्दों के अंदर ज़्यादा तेज़ी से फैलता था और मर्दों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह था। अब इस वायरस में होता क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये वायरस दूसरे लोगों को इस तरीके से लगता था कि अगर आपने किसी के मुंह पे यानी किसी के करीब खांस दिया या छींक मार ली तो उससे ये वायरस उसको लगता था। और इस वायरस से ये होता था कि जो मैन पावर होती है यानी कि इस बीमारी के लगने की वजह से आदमियों को मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गए थे, और ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि एक दिन के अंदर 5,000 लोग इसका शिकार होकर मर जाया करते थे। तो और ये वायरस जो है ज़्यादातर रोम के अंदर पाया जाता था, उसके बाद रोम से निकल के ये जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला इन जैसे शहरों और मुल्कों में भी फैल गया था। इस वायरस की वजह से दुनिया की आबादी अराउंड 11 मिलियन कम हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं नंबर वन पे जो हमारे पास वायरस आता है उस वायरस का नाम है स्मॉल पॉक्स। अब ये वायरस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1723 के अंदर और ये वायरस ख़त्म हुआ था 1801 के अंदर। अब मैं आपको बताऊं कि इस वायरस से जितनी तादाद लोगों की दुनिया से ख़त्म हुई थी वो थी 53 मिलियन, यानी कि इस वायरस की वजह से 53 मिलियन लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। और लोगों का ये भी कहना है कि ये वायरस तकरीबन 3,000 साल पुराना है। स्मॉल पॉक्स नामी जो बीमारी है ये आपको एक वायरस है जिसका नाम है वेरियोला वायरस, उसकी वजह से लगती थी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं बढ़ता हूँ अगली वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।